हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अगर आप 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपके लिए हम यहां पर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं, और 101% गारंटी स्टार्ट में ये कह सकता हूँ कि ये दो सेंट्रल आइडिया आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अवश्य ही रखे मिलेंगे। तो आइए बच्चों, यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट सेंट्रल आइडिया कौन सा है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये पोइम नंबर सेकंड का सेंट्रल आइडिया है। तो जो आइए देखते हैं इसके जो कवि हैं वो कौन है, स्टीफन स्पेंडर हैं। तो शुरुआत करते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। तो देखते हैं बच्चों, इन दिस पोइम द पोइट स्टीफन स्पेंडर एक्सप्रेसेस द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन ऑफ स्लम एरियाज। तो हिंदी भी बच्चों देखते हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग में हिंदी रहेगी तो आप चाहे भले ही इंग्लिश में याद करें या ना करें, बस आपका ट्रांसलेशन अच्छा होना चाहिए, तो आप हिंदी के माध्यम से भी अच्छे से सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं हिंदी। इन दिस पोइम, इस कविता में, द पोइट कवि स्टीफन स्पेंडर एक्सप्रेसेस, कवि स्टीफन स्पेंडर एक्सप्रेसेस मैंने अभिव्यक्त करते हैं द पिटिएबल कंडीशन, दयनीय हालत ऑफ द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की, ऑफ स्लम एरिया, जो कहाँ रहते बच्चों, स्लम एरिया मीन्स झुग्गी झोपड़ी के एरिया में रहती हैं, इलाके में रहती हैं। दे आर पुअर, वे गरीब हैं, एंड इलिटरेट और अशिक्षित हैं। सो देयर कंडीशन, इसलिए उनकी स्थिति, इज वेरी मिजरेबल, इसलिए उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। द पोइट इज वेरी सैड, कवि बहुत दुखी है। टू सी, देखकर, देयर पिटिएबल कंडीशन, उनकी दयनीय स्थिति को देखकर कवि बहुत ज़्यादा दुखी है। एंड वांट्स, और चाहता है, दैट इट शुड बी चेंज्ड, कि उनकी जो हालत है उसे बदला जाना चाहिए। दे आर फिजिकली, दे मीन्स यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए आया है। दे आर फिजिकली वेरी वीक, वो बहुत ही शारीरिक रूप से कमजोर हैं। ट्रूली स्लम चिल्ड्रन मस्ट बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स, वास्तव में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के साथ मानवता का व्यवहार किया या बर्ताव किया जाना चाहिए। स्पीकिंग स्लम्स आर देमसेल्फ हेल, इन झुग्गी झोपड़ियों के बारे में स्वयं में बात करना एक नरक के समान लगता है। तो बच्चों यानी कि जो बच्चे हैं इनका जो रहन सहन है वो अगर देखा जाए तो एक नरक के समान में है। तो नेक्स्ट बच्चों देखते हैं दूसरा सेंट्रल आइडिया जो कि आपके लिए है, कौन सी पोइम से, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जॉन कीट्स की पोइम है और चौथी पोइम है। तो बच्चों आइए देखते हैं इसका भी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। आप एक एक करके बच्चों देखते जाइए, यहाँ मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। तो आइए बच्चों देखते हैं सेंट्रल आइडिया ए थिंग ऑफ ब्यूटी का। द पोइट जॉन कीट्स इन हिज पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी टेल्स दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। हिंदी समझते बच्चों कि द पोइट जॉन कीट्स इन हिज पोइम, जॉन कवि जॉन कीट्स अपनी कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी में टेल्स बताते हैं दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स की जो सुंदर चीजें होती हैं आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। आर मीन्स होती हैं, द सोर्स मीन्स स्रोत, ऑफ ग्रेट, ग्रेट मीन्स बड़ी, जॉय मीन्स खुशी, एंड हैप्पीनेस माने प्रसन्नता की, कि जो सुंदर चीजें होती हैं वो बड़ी ही खुशी और प्रसन्नता की स्रोत होती हैं। देयरफॉर, इसलिए, ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रीजरिंग, इसलिए सुंदर चीजें आर होती हैं वर्थ योग ट्रीजरिंग। ट्रीजरिंग का मतलब बच्चों होता है क्या, संभाल कर रखना, या कह सकते हैं कि ट्रीजरिंग का मतलब होता है अच्छे से रखना। तो देखिए वो कहते हैं क्या कि देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग्स, इसलिए सुंदर चीजें आर वर्थ योग्य हैं ट्रीजरिंग, ट्रीजरिंग मीन्स स्मरण में रखने के। विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, द स्वीट रिकलेक्शन, जो मधुर यादें होती हैं ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की, बिकम मोर जॉयफुल, वो और ज़्यादा जॉयफुल मीन्स प्रसन्नचित्त हो जाती हैं। क्रिएशन ऑफ गॉड प्रोवाइड, क्रिएशन मीन्स उत्पत्ति, ऑफ गॉड मीन्स ईश्वर की, ईश्वर की रचना या ईश्वर की उत्पत्ति प्रोवाइड प्रदान करती है एनर्जी, ऊर्जा, एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का होता है खुशी। तो यानी कि जो ईश्वर की जो रचना है वो ऊर्जा और खुशी प्रदान करती है। थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं, मेक अस फील हैप्पी, वो हमें खुशी का एहसास कराती हैं या खुशी का अनुभव कराती हैं। तो बच्चों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं बच्चों ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।